यार हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हमारा ये कार्यक्रम निरंतर 47 साल से चल रहा है। एक बार बीच में थोड़ी कड़ी टूटी तो हमारी बहनों ने इस कार्यक्रम को संभाला और हमने इस कार्यक्रम को कंटिन्यू किया। आज अब मेरा सौभाग्य है कि हमें डॉक्टर विवेक गुप्ता जी का परिचय आपके बीच रखने का मौका मिला, उसके लिए मैं आभारी हूँ। ये परिचय देना हमारे लिए बहुत सरल बात है क्योंकि इनको मैं बचपन से ही जानती हूँ। डॉक्टर विवेक गुप्ता सन 1998 से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कार्यरत हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। शुरुआत से ही क्लास 1 से लेकर 12 तक हमेशा क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1982 में इनका MBBS में चयन हुआ। CPLT की परीक्षा में उत्तर प्रदेश टॉप किया। उस समय यह बहुत बड़ी बात होती थी, पहली बार कोई CPLT पास करे और वह भी टॉप करे। इन्होंने 1987 में MBBS की पढ़ाई पूर्ण की, फिर MD मेडिसिन किया। आपने 1993 में कानपुर के शहर के ही लक्ष्मीपत सिंगानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रवेश किया और फरवरी 1995 में पढ़ाई पूर्ण करने के बाद कुछ समय के लिए लखनऊ SGPGI में ज्वाइन किया। 1996 में ही डॉक्टर विवेक गुप्ता को फ्रांस के सबसे बड़े अस्पताल हॉस्पिटल चार्ल्स निकोलस में फेलोशिप के लिए चुना गया। उस समय दुनिया भर में अवार्ड के लिए केवल 7 डॉक्टर चुने जाते थे। फ्रांस में रहते हुए डॉक्टर विवेक गुप्ता के लिए एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की विशेष ट्रेनिंग प्राप्त की। ये उस समय का उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। 1997 में काफी कम लोग एंजियोप्लास्टी के बारे में जानते थे। अगर ये चाहते तो ये 1998 में ये यूरोप में ही सेटल हो सकते थे, लेकिन मातृभूमि का प्रेम और अपने देश के लिए कुछ करने की जो चाह थी और खास करके इनके पिताजी डॉक्टर मदनलाल गुप्ता जी चाहते थे कि वह भारत में ही सेटल हों, इसीलिए वापिस आकर इन्होंने सीधे अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन किए। इनके पिताजी डॉक्टर मदनलाल गुप्ता माह वाले जो कि आज यहाँ पर आने वाले थे नहीं आ सके, 1955 में MBBS की परीक्षा के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ प्रवेश किया। उस समय ये पहले ही डॉक्टर होंगे अपने समाज के। MD मेडिसिन करने के बाद चिकित्सा विज्ञान में क्षेत्र भारत की सुप्रसिद्ध संस्था ICMR की लखनऊ शाखा में कार्यरत रहे। इनके अनेकों शोध पत्र विश्व की पत्रिकाओं में छपे और लखनऊ में निवास करने करके मानव सेवा करते रहे। आज भी परिवार और समाज के लोगों में अपना मुफ्त सलाह दिया करते हैं। आपकी माताजी इंदु बाला गुप्ता अजमेर की रहने वाली है और उस समय की हिंदी से एमए है। इनकी बहन डॉक्टर रश्मि गुप्ता संयुक्त बाल महिला चिकित्सालय
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदिरा नगर लखनऊ में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। आपके जीजाजी डॉक्टर अनूप गुप्ता एमडी एनेस्थीसिया लखनऊ में हॉस्पिटल में एंजियोथेरेपिस्ट है। आपके छोटे भाई आशीष गुप्ता कैम्ब्रिज यूके के पोस्ट ग्रेजुएट है और नोएडा के एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। बड़े बेटे डॉक्टर साहब के बड़े बेटे चिन्मय गुप्ता एमबीबीएस कर चुके हैं और एमआरसीटी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के दूसरे बेटे चेतन गुप्ता एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इनके भांजे डॉक्टर अनिल गुप्ता एआईआईएमएस दिल्ली में डीएम इसरो में कर रहे हैं। इनकी पत्नी डॉक्टर राखी गुप्ता बचपन से ही मेधावी छात्र रही है। डॉक्टर राखी गुप्ता स्कूल से लेकर एमबीबीएस तक हर क्षेत्र में आगे रही। इनको 33 गोल्ड मेडल और 12 सिल्वर मेडल स्कॉलरशिप इत्यादि एमबीबीएस के दौरान मिली। आप अपोलो हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप बाल रोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी के इलाज में विशेष योग्यता रखती हैं। आप एक सुप्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। आपने फ्रांस में रोम शहर के से उच्च फेलोशिप और ट्रेनिंग ली। आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में कई शोध कार्य प्रकाशित हैं। कुल मिलाकर इनका पूरा परिवार डॉक्टर है। आपके दोनों पुत्र भी इनके साथ यहाँ आए हैं और अब मैं इनकी अन्य कुछ विशेषताएं बताना चाहूंगी। आप अभी तक डॉक्टर विजय गुप्ता 10,000 से ज्यादा एंजियोग्राफी देश विदेश में कर चुके हैं। डॉक्टर विजय गुप्ता के रिकॉर्ड में 2:40 में एंजियोग्राफी की और 6 मिनट में एक स्टेंट और 9 मिनट में 2 स्टेंट लगाए। 1998 में जब ये भारत लौटे उस समय एंजियोप्लास्टी इंडिया में शुरुआती दौर में थी। उस समय इन्होंने आते आते ट्रिपल विजेट विजेट और कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी एक से ज्यादा स्टेंट 2 या 3 स्टेंट लगाने की विधि को भारत में काफी चर्चित किया। डॉक्टर विजय गुप्ता के बारे में कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। अभी इन्होंने काफी यंग लोगों की एंजियोप्लास्टी की है। आप 25 साल के एक लड़के, ये मेरे सामने की बात है। दिसंबर में 25 साल के एक लड़के की हालत खराब हो गई। रात के मिड नाइट में 12 बजे से 2 बजे के बीच इनके पास फोन आया और इन्होंने उसकी उसी समय उसके जो नसों में ब्लॉक था, ब्लॉकेज इतनी थी कि उसकी जान बचाना मुश्किल था, इन्होंने उसको पूरी तरह से एक टीम के साथ जुटकर और उसकी जान बचाई और वो 3 दिन रहकर और स्वस्थ होकर घर चला गया। उस घर का दीपक जला दिया जो चारों तरफ से लोग घबरा गए थे। डॉक्टर विजय गुप्ता ने कोरोना काल में यानी कि 2020 में एक तरह से रिकॉर्ड 19 वेबिनार किए जो कि कोरोना इलाज के लिए काफी महत्वपूर्ण हुए। खास करके अमेरिका यूरोप के डॉक्टरों को मिलाकर इन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया। फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव एक साल के अंदर इन्होंने 378 लाइव किए जो एक स्पेशल रिकॉर्ड है। डॉक्टर विजय गुप्ता काफी सोशल पर्सनलिटी के हैं और लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने में और उनको कंटिन्यू करने में विश्वास रखते हैं। अगर थोड़ा एग्जाम्पल दूं तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनसे काफी प्रसन्न रहते हैं और मिलते जुलते रहते हैं। कोई ऐसा
मुख्यमंत्री नहीं है जो इनसे संपर्क नहीं रखता हो। वो कहते हैं कि आप दिल खोलते हैं और वो दिल से परेशान करते हैं, वो हर समय परेशानी में रहते हैं, क्या हो कैसे हो, इसलिए आपसे कॉन्टैक्ट में रखते होंगे। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, इसी रविवार को डॉक्टर विनय गुप्ता कलकत्ता में भाजपा की अगुवाई में डॉक्टरों का एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आपको 500 डॉक्टर के सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने के लिए कलकत्ते में आमंत्रित किया गया है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर विनय गुप्ता ट्रेनिंग पर बहुत विश्वास करते हैं। उन्होंने 2008 से एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉक्टरों के लिए शुरू किया है जिसका नाम है इंडो यूरोपियन कोर्स ऑफ रिव्यूशन। पहला विज्ञान भवन मेरे सन 2008 में हुआ था। समय अभी हो रहा है आगे कार्यक्रम के बाद का, जो भी और भी आपको आगे चल के इनके बारे में यूट्यूब पर मिलेगा। धन्यवाद सुषमा जी। मैं निवेदन के बाद आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर दीपक विवेकानंद से कि हमारे बीच में आकर इस सदन को अपने आशीर्वाद से इनॉग्रेट करें। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, सबसे पहले तो पेपर जरूर अभी पुष्पा गुप्ता की हमारी जीजी है, जैसा उन्होंने मेरे बारे में बताया मुझे उससे थोड़ा भाव विभोर हो गया। हम लोग चाचा ताऊ के भाई बहन हैं और बड़ा प्रेम रखती है हमसे, और जिस तरह से उन्होंने काम किया तो उसके लिए मैं खुद उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। तो अभी समय ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट का समय लूँगा जिससे कि मैं बात कर पाऊँ अपने दिल की। मैं दिल की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, क्योंकि मैं दिल से काम करता हूँ, दिल का डॉक्टर हूँ और कोशिश करता हूँ दिल से काम करें। जब दिल से आप काम करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, दिमाग से काम करेंगे तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के संयोजक सचिन गुप्ता जी, अजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, श्रीमती अर्चना सत्येंद्र जी जिन्होंने हमें कई बार फोन पे बात करके हम लोगों ने डिस्कशन किया, श्री संजय गुप्ता जी और अपने हमारे खास रिश्तेदार राजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे पापा के फादर डॉक्टर मदनलाल गुप्ता के कजन ब्रदर हैं, और फिर मैं रामफल गुप्ता जी जो हमें जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, हमारे रिश्तेदार हैं। मैं माथुर में सोने का गर्व करता हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर अभी भी विवाह जो इंटरकास्ट हो रहे हैं अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये सपना है, लेकिन अगर मातृभाषा में जो जोड़ने का जो मजा आता है वो कमी आता है। एक बात पुष्पा जी ने मिस कर दिया, मैं कहना चाह रहा था अगर कोई मातृभाषा मेरे पास आता है अपोलो हॉस्पिटल में तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं उसका पहले बहुत दूसरा मेरा मोहनिया गोत्र है, मदर का पत्थरवार गोत्र है। अभी हमारे बेटों को बच्चों को उस लेवल पे अभी आई थिंक जो इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों को यहाँ होना चाहिए जिससे कि और जुड़े और एक संगठित मातृभाषा परिवार बने और जो वह समाज के साथ जुड़ गया है जो कि सबको पता है। तो ये मेरी अलग से सोच है अपने मथुरिया वैश। कल मैं बात कर रहा था डॉक्टर वी के अग्रोत्री साहब हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, चीफ सेक्रेटरी अपने जो आजकल आर के तिवारी साहब के ससुर साहब हैं डॉक्टर आर सी अग्रोत्री, बहुत पुराना ब्लड बैंक है हर एक हॉस्पिटल के पास में। तो डॉक्टर मीरा अग्रोत्री यहाँ के हेड डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी है, तो उन्होंने देखा है कि माथुर वैश समाज के हूँ तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उन्होंने कहा माथुर पैरिस पता चले नहीं, ये हम लोग मथुरा के हैं इसलिए अभी भी लोगों को डाउट हो जाता है माथुर वैश से
शायद आप अगर हमारी महासभा सोचे उसको मधुरिया व्यस्त करते ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़े दिन के बाद, मेरा ये विचार है। लेकिन हमारे बड़े क्लोज संबंध है आरके तिवारी साहब की सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उनके ससुर साहब डॉक्टर आर सी मोदी जो हमारे फादर के बैचमेट है, वो कल रात को बैठे थे कानपुर के एक और सीनियर डॉक्टर रियासत करते होंगे। तो मैं अपना संबोधन शुरू करता हूँ, दो बात तीन बात तो बताऊंगा। पहली बात तो मैं बताऊंगा क्या मैं दिल की बात करने जा रहा हूँ, तो हार्ट के बारे में तो बताऊंगा ही। पाँच मिनट कैसा देश होना चाहिए, मेरी कुछ सोच है कि अपने देश में क्या कमियां हैं या विश्व में क्या कमियां हैं, 5 मिनट उसको दूंगा। और फिर थोड़ा और बातें बता के कोरोना काल से क्या क्या वैक्सीन के बारे में बता के फिर अपना उद्बोधन समाप्त करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई हार्ट। शुरुआत करते हैं आई थिंक दिल के बारे में, जो दिल की बीमारी के बारे में, जो कि मेरी एक पैशन है। मैंने ये उतारी नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये जो है कि हम लोग की संस्कृति है, और हमने कहा कि रोज को पहनने का मौका नहीं मिलता, कम से कम आज के लिए 1 घंटा पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी वाइफ ने कहा डॉक्टर आपकी गुप्ता हमारी ताजमहल का उतार देते हैं, हमने कहा नहीं मैं पहने रहता हूँ। तो ये मेरा बड़ा अच्छा लगा, सो थैंकफुल टू रामफल जी, उन्होंने हमारे श्रद्धेय हैं कि उन्होंने मुझे ये पहनाया, मुझे अच्छा लगा। तो ठीक है, दिल की बात, हार्ट अटैक एंजाइना, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि सुने जरूरी बात है। दिल की बीमारी इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, सबको पता है, दिल से डर भी लगता है कि दिल की बीमारी ना हो जाए। कभी किसी को छाती में दर्द होता है, सारे दर्द हार्ट के नहीं होते, बहुत बड़ा बात सुनिए बताइए, सारे दिल छाती के दर्द हार्ट अटैक नहीं होते, लेकिन जो छाती के दर्द हार्ट अटैक होते हैं वो काफी रिस्की हो सकते हैं। तो ये बातें बताना जरूरी है, तो 2-3 मिनट बताऊंगा कि दिल की बीमारी कैसे रिस्की है। द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड इज हार्ट अटैक, नंबर वन किलर। नंबर टू किलर इज कैंसर, कैंसर की बीमारी का इलाज अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो दिल के अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होता है, इसमें पहले करने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी लेने की जरूरत है। भगवान ने दो दिमाग दिए है, लेफ्ट एंड राइट, दो किडनी दी है, हाथें भी बड़ी लंबी बनाती है, दो हाथ दो आँख, नाक भी जो है, दिल एक है। अब दिल एक मंदिर एक पिक्चराई की अलग बात है, लेकिन दिल एक है, इसीलिए इसका काफी रिस्की है, क्योंकि अगर दिल बंद हुआ करना तो लाइफ खत्म हो जाती है। The seat of life is brain, not heart. The seat of life is brain, not heart. लेकिन उस brain को चलाने के लिए दिल को हर समय धड़कना पड़ता है। जब से बच्चा माँ के पेट में आता है, जब तक मृत्यु नहीं आती, दिल एक ऐसा organ है जो constantly काम कर रहा है। We don't realize that it's working all the time, all through day and night, 24/7. क्यों? क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो brain की सप्लाई खत्म होगी और जीवन की मृत्यु हो जाती है। अब ये दिल की जो भगवान ने बनाया वो एक ही बनाया, उसमें एक चीज और थोड़ी कंजूसी करी भगवान ने, वैसे तो भगवान सर्वोपरि है, राम राज के बारे में बात करूंगा अभी, भगवान सर्वोपरि है, इतना कॉम्प्लेक्स शरीर बनाया है कि एक स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन नहीं हो सकता, किसी ना किसी की कारीगरी है। अगर आप एनाटॉमी पढ़ो डॉक्टर समझ रहे होंगे, अगर आप एनाटॉमी पढ़े, इतना कॉम्प्लेक्स आँख नाक सूंघने की शक्ति, बात करने की शक्ति, ये नॉट फॉर थिंग्स। तो दिल के अंदर क्या है कि दो सिस्टम होते हैं जो दिल को सप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से हार्ट चल रहा होता है, उसकी 3 धमनियां होती हैं। धमनियां मतलब आर्टरीज, शिरा मतलब वेन, तो 3 धमनियां होती हैं। इसकी चौड़ाई केवल मैं बताऊं फिर क्लियर जरूरी, कि धमनियों की चौड़ाई केवल 3 मिलीमीटर होती है, 3 मिलीमीटर मैक्सिमम 3.5 मिलीमीटर या 4, जो नॉर्मली एवरेज 3 मिलीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द आर्टरी व्हिच इज सप्लाइंग द ब्लड टू द हार्ट। उस 3 मिलीमीटर के आर्टरी में अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, 3 मिलीमीटर के आर्टरी में अगर कोलेस्ट्रॉल जमता है तो ब्लॉकेज आता है, ब्लॉकेज आता है छाती में होता है और वो एंजाइना के रूप प्रोड्यूस करता है। अगर यही नस, मैं फिर से बताऊंगा, थोड़ा लोग आवाज बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए सुनने की, बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं सबका चाहूंगा ध्यान रहे इस बात पे, या बात सुनिएगा जरूरी, कि दिल का दौरा कैसे बचा सकते हैं आप। तो दिल का दौरा बचाने के तरीके हम बताएंगे, लेकिन हम बताते हैं दिल में दौरा क्यों पड़ता है। तो दिल की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है तो एंजाइना होता है, अगर दिल की नसों में खून का थक्का जमता है तो हार्ट अटैक होता है, फर्क है। हार्ट अटैक की नस पूरी बंद हो जाती है, दिल के बहुत एंजाइना में नस 70% 80% 90% बंद होती है केवल। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग देखिए, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा है तो 50% पेशेंट डू नॉट रीच हॉस्पिटल, 50% लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते, तो दिल का दौरा बचाना बहुत जरूरी है। एंजाइना हो जाए कोई बात नहीं है, एंजाइना में तो आपको टाइम है,
क्योंकि आप अंजनक मतलब है तेज चलेंगे तो छाती में दर्द होगा, बैठ जाएंगे तो आराम हो जाएगा। दिल के दौरे में क्या होगा, दिल के दौरे में बैठे बैठे छाती में दर्द होगा, पसीना आएगा, घबराहट होगी। और मैंने कहा 50% दूर नहीं स्वास्थ्य, क्यों, क्योंकि वह तो डेथ हो जाती है या हार्ट रुक जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट। और जब तक अस्पताल पहुँचते हैं CPR देते हैं, नहीं पेशेंट बचता। जैसा कि अभी पुष्पा जी एक हमारे पेशेंट के बारे में बता रही थी, एक 25 साल का लड़का दिल का दौरा पे रात को 11:30 बजे खाना खा रहा था अपने बच्चों के साथ में। अपोलो हॉस्पिटल से फोन आता है कि आप उसकी एक पेशेंट आया है और दिल का बड़ा दौरा है। उसमें क्या हुआ था, एग्जाम्पल से समझा हुआ दिल के दौरे के बारे में, उसको क्या हुआ, उसको ये हुआ। अच्छा आप एक चीज बताना चाहते हैं, दिल का दौरा कितना खतरनाक है, अगर आप जानते हो म्यूजिक के जो शौकीन है अपने किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, ऑल थ्री टाइगर फाइटर है। वो कैंसर पेशेंट जो होता है वो 3-4 साल तो चल जाता है, कम से कम पता रहता है कि गाने क्यों है। दिल के दौरे में पहले ही देता, अब इतने बड़े बड़े कलाकार मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी का इनका कोई विकल्प अभी तक नहीं आया। 58 साल की उम्र में किशोर कुमार की डेथ होगी सडन डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। ये 25 साल उस समय की सुविधा भी नहीं थी, 1987 जब मैं पढ़ता था MBBS करता था, 1987 में किशोर कुमार का आवाज अभी भी आई थिंक दिस इज द मोस्ट फेमस आवाज अभी भी है। दिल का दौरा इतना खतरनाक हो सकता, तो 25 साल का मेरे पास आया, अपोलो हॉस्पिटल की इमरजेंसी पहुंचता है, डॉक्टर देखता है, ECG देखता है, ECG बिल्कुल खराब होता है। मुझे फोन किया, मैं 11:30 रात के बज रहे थे कि सोने का टाइम आ गया है, मैं खाना खाने जा रहा था। उसने कहा 25 साल लगता है कि आप क्या करोगे, तो दो विकल्प होते हैं किसी भी डॉक्टर की रिजल्ट के दौरान में, अगर अस्पताल पहुंच गया या तो खून का थक्का खोल दिया गया दवा से, या रात में एंजियोग्राफी करें नस से खून का थक्का सक्षम कर लें और उसके बाद आप निकाल दें स्टेंट लगा दें। तो मैंने कहा यंग आदमी है, मैं रात को जाने में उचकता नहीं हूँ, डॉक्टर नॉट हॉस्पिटल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कहेंगे ठीक है वो दवा शुरू कर दो सवेरे देखेंगे। यंग था अदरवाइज ऑल्सो आई डो, उसका 3 पेशेंट दौरे से किए, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा कैसे अब सर्च करो, मैं 15 बजे पहुँचता हूँ, 12:15 पहुँच गया, 12 बजे एंजियोग्राफी शुरू करी। सबसे बड़ी बात आप बताने जा रहा हूँ जो मैंने एंजियोग्राफी करी, अब एक तरह का पेड़ होता है हार्ट की जैसे एक तरह पेड़ है, अगर पेड़ के तने में क्लॉट है तो पेड़ पूरा गिर जाएगा, अगर शाखा में क्लॉट है तो आप बचा सकते हैं, इसके पेड़ के तने में क्लॉट क्लॉट था। मैंने जैसे एंजियोग्राफी करी आई वाज शॉक, मैंने उसका टेक्नीशियन जो करा रहा था उसको शक्ल देखी, वो भेज सके, मैंने कहा क्या किया जाए, अगर सपोज करो मैंने क्लॉट लगाया तो क्लॉट बन सकता है, मैं वायर डालूंगा एंजियोग्राफी के लिए, तो पेशेंट कैन डाई ऑन टेबल। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि पेशेंट उसकी पेशेंट की मृत्यु टेबल पे हो, क्योंकि उसमें बदनामी ज्यादा होती है, पेशेंट तो अंदर गया अच्छा करता, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया पेशेंट मर गया, इससे वेरी बैड थिंग। मैंने कहा अगर मैं इसको नहीं करता हूँ, मैंने सोचा अपने दिमाग में सोच रहा, मैं सर डॉक्टर चिन्मय गुप्ता और मंत्री जी बैठे हुए सामने, मैंने इससे पूछा, क्योंकि रात को स्टाफ है बोलो सुनो स्टाफ कम होगा, 3 लोग थे केवल मैं था, टेक्नीशियन था, डॉक्टर चिन्मय गुप्ता थे और एक हमारे स्टाफ कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर था। मैंने कहा क्या करें, अगर करते हैं तो रिस्क है, नहीं करते हैं तो और रिस्क है, अगर नहीं करते हैं तो पेशेंट की जान जा सकती बाहर, पेशेंट के अंजाई 25 साल लगा, और करते हैं तो अपने को रिस्क है कि भाई क्या करो। फिर मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि भाई जो साइंस कहती है कि वो ट्राई करना चाहिए, मैंने उसकी वाइफ को बुलाया, मैंने कहा मैं इसकी एंजियोग्राफी करना चाहता हूँ, बट देयर इज अ रिस्क दैट शी कैन डाई ऑन टेबल। उसने कहा जो आप करेंगे बेस्ट करेंगे आप करिए, उसको पता था बड़ा दिल, ही वॉज क्राइम, ही वॉज एक्चुअली टेबल पे ऐसे होता ना साफ की तरह निकल रहा था। मैंने क्लॉट निकाला, थ्रोम्बोसक्शन की टेक्निक स्पेशल थे, हार्ट के अंदर से क्लॉट निकालना बड़ा स्पेशल काम होता है। मैं अपने डॉक्टर एलन ट्रिविया जिनके साथ मैंने काम किया फ्रांस में, उनको नमन करता हूँ, इस तरह की टेक्निक मैंने सीखने को मिली, कोई और ऐसा नहीं कहूँगा सारे डॉक्टर अच्छे नहीं है, कुछ लोग की स्किल इतनी नहीं होती है तो नहीं निकालते, सीधे स्टैंड लगाते, जहाँ सीधे स्टैंड लगाते हैं पूरी बंद हो जाती है पेशेंट को डाइट, पेशेंट को प्लॉट निकाला, उसको बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, हनुमान जी का नाम लिया और पेशेंट को बाहर शिफ्ट किया, तीन बार छुट्टी हो गई। दिस इज वन एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं, तो कई बार कहते हैं कि ना डॉक्टर ये दिल का दौरा तो खतरनाक होता है, इसलिए बचाए कैसे, बचाओ मैंने सबको बताया डायबिटीज कंट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल, लेकिन जो एक बात मैं कहता हूँ मानसिक तनाव कम करेंगे, मानसिक तनाव कैसे कम करेंगे, हम जब रामराज लाएंगे तब करेंगे, वो मैं 4 बातें और बताऊंगा। तो दिल के बारे में इतनी बातें कि समय कम है शायद मेरे पास, तो मेरे है अच्छा ठीक है समय है, तो मैं एक बताना बता दें हार्ट पर थोड़ा दो बातें और बताऊंगा। अगर किसी पेशेंट को एंजियोग्राफी की सलाह दी जाए तो उसको ज्यादा दिनों तक डिले ना करें, ये मेरी सोच है और बताना चाहता हूँ। मेरे फेसबुक लाइव जैसे अभी पुष्पा गुप्ता जी ने बताया, मैंने 378 फेसबुक और यूट्यूब लाइव किए एक साल के अंदर,
ऑलमोस्ट वन पर डे, उसमें हार्ट अटैक के बारे में मेरे यूट्यूब अगर आप देख लेंगे तो अभी उतना कार्डियोलॉजी सब्सक्राइब करिएगा, उसमें कई बातें हैं, हार्ट के बारे में है, डायबिटीज के बारे में है, कोरोना के बारे में है। तो मैं कहना चाह रहा था कि अगर पेशेंट को मानसिक तनाव कैसे कम करे, हाँ दिल का दौरा मैंने बता दिया, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर हाथी का थर अंगाना नहीं होता, अभी कैसे सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि लोग हर तरह के दर्द होते रहते हैं कि मेरे दर्द है, छाती का दर्द है, कि क्या ये अंगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल है, आप लोग सीख सकते हैं। और सिखाने का तरीका ये कि अगर किसी को छड़े दर्द हो रहा, छड़े यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आया चला गया, इधर आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, वो कभी हार्ड का नहीं होता कभी भी। दूसरा, अगर किसी को कंटिन्यूस पेन हो रहा 24 घंटे, दो दिन चार दिन लगातार, अगर उसको दिल का दौरा होगा तो पेशेंट बचेगा नहीं। कंटिन्यूस पेन फॉर 2 डेज 3 डेज इज नेवर हार्ड, नेवर। अब कौन से हार्ड के होते हैं, किसी को खाना खाने के बाद छाती भारी हो जाए, किसी को स्पेशल गैस होना शुरू हो जाए, बहुत बड़ी बात है, कई लोग गैस गैस के चक्कर में पेशेंट को खो देते हैं। गैस का दर्द और हार्ट अटैक का जो नीचे वाला इंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, वो काफी मिक्सअप होते हैं। कई डॉक्टर हमारे अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, उनकी वैक्सीन लगी, 4 दिन बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, रात भर गैस गैस करते रहे, सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। मैंने कहा आपने इसी को नहीं करा, तो मैं डाइजिन पीता रहा, मुझे लग रहा डाइजिन डाइजिन डाइजिन, नेक्स्ट डे करा एंजियोग्राफी, ईसीजी करा, हार्ट अटैक। तो अगर किसी को स्पेशली गैस बन रही है तो कभी बनती नहीं थी, कुछ लोग गैस के पेशेंट होते हैं, लेकिन जो कभी बनती नहीं थी वो सडनली गैस बनना शुरू हो जाए और लंबा चलने लगता है, आपकी घबराहट हो, ये हार्ट अटैक हो सकता है। कोई तेज चले, सीढ़ी चढ़े, छाती भारी हो जाए और बैठ जाए, आराम हो जाए, उसको ये अंजाना का दर्द है। तो छड़े दर्द हार्ट अटैक नहीं है, कॉन्टिन्यूस दर्द हार्ट अटैक नहीं है, अंजाना नहीं है, तेज चलने वाला दर्द तेज चलेगा, छाती भारी पर आएगा। एक बात और है, अगर छाती के बड़े हिस्से में दर्द नहीं हो रहा है, अगर छाती के बड़े हिस्से में दर्द नहीं हो रहा है तो वो दिल का दर्द नहीं है, कम से कम मुट्ठी भर का छाती का दर्द होना चाहिए। कई बार डेंटल दांत का पेट भी हार्ट अटैक हो सकता है, अगर दांत का पेट कभी नहीं हुआ, दांत में दर्द हो रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाके हार्ट की जांच करा लें। एंजियोग्राफी की अगर जरूरत है तो करा लीजिए, नॉर्मल एंजियोग्राफी भी करने से खुशी होती है ना। मैंने अपनी मदर की एंजियोग्राफी करी थोड़े दिन पहले, जरूर नहीं थी, मैं नहीं किसी वापस से, मुझे एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल निकली, मुझे इतनी खुशी हुई कि एट दिस एज हर हार्ट इज फाइन। तो अगर किसी को एंजियोग्राफी की सलाह दी जाए टालिए मत, कुछ लोग टालते क्यों है, टालते इसलिए है, वो कहते हैं कुछ निकल आए तो, देखिए बड़ी बात बता रहा हूँ, डर ये होता है कि अगर स्टेंट लगाना पड़ गया, बाईपास न करना पड़ जाए, अगर घर के अंदर, अगर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ सबको सुनिए, बहुत जरूरी बात है, अगर आप रात को सो रहे हैं तो एक कमरे में आपको खटखट आती है किचन में, या तो चूहा होगा या चोर होगा, अब ये सोच के कि चोर ना आप सोते रह जाए वो गलत है ना, आप चेक करने जरूर जाएंगे। अगर आपको एक हार्ट आई है, छाती में दर्द हुआ है, हल्का फुल्का आपको एंजियोग्राफी की सलाह दी गई है, तो चेक करके देख लें, एंजियोग्राफी 99.99% सेफ। और कोई भी अस्पताल, मैं तो कहूँगा, मैं तो नहीं करता, कभी भी आपको फोर्स नहीं करता कि आप एंजियोग्राफी करा लीजिए, बताया जाएगा कि आपको एंजियोग्राफी जरूरत है, या बताया जाएगा 50% ब्लॉक है, कुछ नहीं करना। अगर 50% 70% ब्लॉक है तो उसमें दवा से ही काम चल जाता है, जबरदस्ती स्टेंट कोई नहीं लगाता, जबरदस्ती बाईपास वगैरह कोई नहीं लगता, 100 में से 1-2 लोग होंगे, लेकिन उस चक्कर में आप बाकी लोग अपना नुकसान ना करें, पहली बात एंजियोग्राफी करता है। दूसरी बात यह है कि यंग लोग, जितने लोग यहाँ बैठे सब हार्ट पेशेंट तो नहीं है, हार्ट की बीमारी होती है 10% लोगों में, केवल 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, विच इज क्वाइट ए बिग नंबर, बट 90% आर नॉट देयर। तो जिनको नहीं है उनको रोकथाम क्या करें, अभी बात हो रही थी अपने मोहन गुप्ता जी से, एक सीटी स्कैन एंजियोग्राफी आई है, सीटी स्कैन एंजियोग्राफी 45 साल के ऊपर जो भी पेशेंट, उनके फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है या अदरवाइज बिजनेस कर रहे हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, हल्का हाई ब्लड प्रेशर है, उनको सीटी स्कैन एंजियोग्राफी करा ली, बड़ा सिंपल जांच है, इसके अंदर वेन के अंदर दिया जाता है और इसके अंदर पेशेंट को एंजियोग्राफी एक्चुअल वाली नहीं है, हार्ट के अंदर अगर 30% ब्लॉक भी है तो आपको पता लग जाएगा। लास्ट बात हार्ट के बारे में, फिर मैं रामराज के बारे में खत्म करूंगा। अगली बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या TMT की जांच, ईको की जांच, सब लोग कराते हैं, ECG, ईको, TMT,
क्या ये संपूर्ण है कि नहीं है? नहीं है। ईसीजी में भी नॉर्मल 95% पेशेंट ऑफ हार्ट, 95% हार्ट के पेशेंट को उनकी नसों ब्लॉक है उसका ईसीजी नॉर्मल रहता है। जिसको दिल का दौरा पड़ेगा तभी ईसीजी खराब होगा। अब आप कमी क्यों इको इको नाम सुना है बहुत सुना इको कार्डियोग्राफी, इको कार्डियोग्राफी इसे अल्ट्रासाउंड होता हार्ट, अल्ट्रासाउंड जानते हैं, अल्ट्रासाउंड जो होता है इको केवल बताता है कि हार्ट की पंपिंग फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है या वाल में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। हार्ट की नसों में धमनियों में ब्लॉकेज के बारे में इको से बिल्कुल भी पता नहीं लगता। तो कोई कहता है मेरा ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, क्या बिल्कुल स्वस्थ हूँ? अब स्वस्थ है, अभी दिल का दौरा नहीं पड़ा है, आगे भी नहीं पता करने के लिए सीटी स्कैन करा लीजिए। अब आए कभी तो ट्रेडमिल टेस्ट, आपको पता है मशीन पे दौड़ाते हैं ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट की क्षमता केवल 70% सही है, 70% यानी कि 30% पेशेंट विल बी मिस्ड बाय ट्रेडमिल टेस्ट। और एक और बात, किसी को 50% ब्लॉक है तीनों आर्टरी में, किसी को 50% ब्लॉक है तीनों आर्टरी में, उसका ट्रेडमिल टेस्ट नॉर्मल आएगा। जब तक ब्लॉकेज 80% नहीं हो जाती तब तक ट्रेडमिल नॉर्मल रहता है। चलिए हार्ट के बारे में बताएं, डिटेल बात हम लोग बात करेंगे, मैं 3-4 में कौन हूँ, मुझे क्या बात है। मैं आजकल देखिए, मैंने 20 साल की प्रैक्टिस की, 10,000 केसेस कर चुका हूँ, और मैं थोड़ा देश और विश्व के बारे में सोचना शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि अपने नेता लोग हमारे काफ़ी दोस्त हैं, अखिलेश तिवारी साहब, योगी जी अब बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं मुझे, मैं सारी पार्टी से मिला हुआ हूँ, कोई किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या है कि हर राष्ट्र होते हैं, हर बार हम लोग बातें होते हैं, भारत पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं? तो व्हाट इज माय ड्रीम ऑफ बेस्ट इंडिया, व्हाट इज माय ड्रीम, आई विल टेल यू माय ड्रीम करता हूँ। वो कागज हो रहा है कोई बात नहीं, ये है। तो माय ड्रीम ऑफ बेस्ट इंडिया, मातृ बेस्ट समाज मेरे ख्याल से जितना आगे बढ़ सकता है उसमें थोड़ी सी कमी है और बनाने की कोशिश करेंगे। माय ड्रीम देखिए सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये पोलिटिकल पार्शली पोलिटिकल है, पार्शली दिल की बात है कि भारत कैसा। मैं फ्रांस में रहता था 2 साल, वहां पे क्या कहा जाता है, वहां पे कहा जाता है कि एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट अनलेस प्रूव अदरवाइज। इसके कई एग्जांपल आपको दूंगा। मैंने कार खरीदी फ्रांस में चेक से, केवल एक चेक किया मैंने, 1998 की या 97 की बात है, सेकेंड हैंड गाड़ी थी। मैं बड़े हिस्से में चेक काम तेजी से कहने मुझे एक्सेप्ट माई चेक, उसे का वक्त का प्रॉब्लम है, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने चेक किया 4,000 फ्रेंच फ्रैंक का, उसको गाड़ी काट दी। क्या आप यहाँ पे इंडिया में चेक दे के कोई सामान खरीद सकते हैं? इवन अपोलो हॉस्पिटल डज नॉट एक्सेप्ट द चेक्स बिकॉज चेक बाउंस इतनी ज्यादा है। तो अपने देश में अभी क्या कमी है, रामराज लाने की जरूरत है। भगवान पुरुषोत्तम राम जब काम करते थे चेक पे नहीं होते थे, लेकिन हर आदमी सच बोलता था, एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट अनलेस प्रूव अदरवाइज। अभी भी बाहर के देशों में है, मैं अपनी खराबी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर दूसरे देश में कुछ अच्छाइयाँ हैं उसको बताने में कोई नुकसान नहीं है, हमें उसमें उसको देखना है। तो दो बातें जो कहना चाहता हूँ, जो दिल की बात है, अननेसरी झूठ ना बोले, इसकी जरूरत नहीं। कुछ लोग आदत होती है छोटी सी बात में, मैं अपनी सेक्रेटरी में प्रयोग करता हूँ, मैं कहता हूँ देखो जितना सच बोलोगे मुझे आपको ट्रस्ट होगा, जितना आप झूठ बोलेंगे दूसरा भी बेवकूफ नहीं, वो समझ जाता है झूठ होगा। तो अगर अननेसरी झूठ ना बोले तो अपना देश अच्छा हो सकता है, ऑनेस्टी बनाए करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट हैं दूसरा भी ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए बाकी बातें हैं कि गरीबी मुक्त भारत होना चाहिए, आसान नहीं है, गरीबी हटाओ का नारा बहुत सालों चल रहा है, कांग्रेस की लाई थी अपनी जितनी। तो दो बातें हैं, क्या भेदभाव खत्म कर सकते हैं? हम लोग भेदभाव अभी भी कर रहे हैं, भेदभाव खत्म करना समानता चलानी है, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, सबको न्याय मिलना चाहिए, अन्याय खत्म होना चाहिए, सब पॉलिटिकल बातें हैं। अभी दूसरा बताऊंगा भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त करें। अब भ्रष्टाचार तो करप्शन तो हमारे बीच में है, क्यों हुआ? गलती हमारे बीच की नहीं है, हम लोग खुद पर मुगलों के शासक, मुगल के बाद अंग्रेज, हमारा देश, हमारे हिंदू दो राज इतना ज्यादा कुंठित हुआ है कि हम लोग वी आर नॉट सिक्योर। करप्शन कब आता है? तो आपको सिक्योरिटी नहीं है, आपको रोटी कपड़ा मकान तक नहीं है आपके पास। अभी भी 40% जनता को रोटी कपड़ा मकान नहीं है, काम नहीं है, धन करना है, 40% जनता अभी भी रोटी कपड़ा मकान से वंचित है। उसको हमें करना चाहिए, निराशा नहीं लाने चाहिए जीवन में, निराशा कोई मत है, आशा से जुड़ती रहिए। और साथ साथ हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बताना चाहूँगा, अगर भारत में संपूर्ण तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ, उटोपिया आपने सुना है किसी ने? इंग्लिश की किसी बहुत अच्छी नॉलेज हो तो कहीं तो वर्ड उटोपिया, मैं स्पेलिंग करना चाहता हूँ, UTOPIA,
उटोपिया मतलब फीलिंग ऑफ बेस्ट वेलबींग, जहां पे सब कुछ अच्छा है, जहां पे स्वर्ग वाली बात है. तो कैन वी ब्रिंग उटोपिया टू इंडिया? यस वी कैन बाय आवर कंसर्टेड एफर्ट. हम लोग चाहते हैं उटोपिया, UTOPIA इंग्लिश का वर्ड है, ये यूज होता है पोएट्री में. तो अगर हम क्या भारत को भगवान राम तारा लगाने की कोई जरूरत पड़ती है? तारा लगाने की जरूरत पड़ती है आपको लगता चोरी हो जाए, तो सब लोग सुखी हैं, सब लोग खुश हैं, तो ताले की जरूरत नहीं होती. यही रामराज की होना चाहिए, ये सोच होना चाहिए, और ये पोलिटिकल पार्टी कर सकती है अगर वो अच्छी तरह चाह रखे. इसीलिए उटोपिया में चाहता हूँ भारत को उटोपिया है, भारत में रामराज आए, भारत के लोग बाहर की तरह विकसित हों, कोई बच्चा भूखा ना सोए. बच्चे भूखे सोते हैं, किसी को दवाई से वंचित ना हो. कोरोना काल में बहुत दिक्कत आई, भारत ने अच्छा काम किया आदर किया मुख्यमंत्री की अगुवाई में, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, हम लोग मिल के ठीक करेंगे. अगेन आई एम थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन वासुदेव समाज को मेरे घर में. आपको भी गर्व होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी होना चाहिए, और इतना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इतना बढ़ना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. प्रोफेसर डॉक्टर जी, विवेक गुप्ता जी, कैडर की सत्रह को आगे बढ़ाते हुए मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूंगा. सांस्कृतिक प्रोग्राम